अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो अभी ताज़ा आज की, कि बेल्जियम में एक फेस्टिवल चल रहा था, वहाँ पे किसी ने गाड़ी चढ़ा दी है लोगों के ऊपर और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं मर गए, 7 अफराद और अभी ज़ख्मी हैं 10-12 और बहुत शदीद जो ज़ख्मी वो, और उसके अलावा अब इसकी तहकीक हो रही है कि इसके पीछे क्या था। ये वाक़यात यूरोप में अक्सर होते रहते हैं, फिर उसके ऊपर ये, और उसके बाद जो ब्रेकिंग न्यूज़ चंद हफ्ते पहले थी वो ये, आप जो मंज़र देख रहे हैं ये है वो बदकिस्मत बेचारा खिलाड़ी कबड्डी का, जो कि मशहूर खिलाड़ी था, इंग्लैंड की उस पर नेशनलिटी थी, इंडियन आज़ाद, वो इंडिया में गया कोई मैच का ऑर्गेनाइज़ करने, तो वहाँ उसको गोलियाँ मार के मार दिया गया। ये पिछले हफ्ते की खबर है। मनदीप पंडल और क्या उसका नाम था, ये आप देख रहे हैं उसके जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब इसके पीछे क्या है वजह, ये कि ये हमारे जो एशियन लोग हैं उनके अंदर सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, और वो मार के। फिर तीसरी बात जो ये है कि रबवा के अंदर जो दो अशखाद 2014 में डॉक्टर मेहदी अली साहब और फिर अभी चंद दिन पहले वकील जो कत्ल किए गए, तो उनको जो कातल हैं उनको पकड़ लिया गया है, और उसकी जो पूरी तफसील जो डिटेल है वो मेरे इस चैनल पे भी आपको मिल जाएगी पड़ी हुई, कि क्या बैकग्राउंड थी, क्यों मारा गया, उसके पीछे जो एक खातून, ज़्यादा इम्कान यही है कि ये दूसरे वकील के कत्ल में भी गालबन यही है। बाकी आप जो मंजर देख रहे हैं कबड्डी के मनाजर, कबड्डी की क्योंकि खबरें थी, ये जर्मनी का एक खास जो अपने अनसार खुदाम जो जर्मनी में बसते हैं, क्योंकि जब हम रवा से हिजरत करके आए थे तो हमारे लिए ये जो कबड्डी थी ये बहुत ज़्यादा एक दिलचस्पी की गेम थी, और हमारे खलीफतुल मसीह रबे भी इसको बहुत पसंद किया करते थे। तो अब इसके जो मनाजर हैं काफ़ी पुराने, ये एक मैच था कैनेडा और जर्मनी का जो कबड्डी का रखा गया, तो उसमें ये प्लेयर जो आप देख रहे हैं वो अपने गुर्द खा रहे हैं। तो इन मनाजिर के साथ साथ मैं थोड़ी तफसील भी बताता चलूं कि ये जो बेल्जियम के अंदर जो वाकया अभी घंटा पहले हुआ है कि गाड़ी जो है वो चढ़ा दी गई लोगों के ऊपर, ये वाकया तो यूरोप में मुख्तलिफ ममालिक में होते रहे हैं, और जब ये हुकाम होता है तो उसके बाद अक्सर पहला रिएक्शन यही आता है कि ये इस्लामी किसी बंदे ने वो जो किया है बदला लेने के लिए, वो जो अमेरिका ने अटैक किए, या इधर जो मुख्तलिफ तस्वीर या वो जो कार्टून बना के रसूल अल्लाह की ज़ात के मतलब उसके बदले में, लेकिन बाद में अक्सर वो कुछ और भी रिजल्ट निकल आता है, बाज़ ख़ातिन के अपने भी बंदे बाद ड्रिंक करके ये वो, लेकिन बात यह है कि जितना कोई हादसा आपके करीब होता है, आपके हमसाए में होता है, उतना ज़्यादा इंसान उससे मुतासर होता है और उसको दिलचस्पी होती है सुनने की, जितना वो दूर होता चला जाता है उसकी दिलचस्पी कम हो जाती है। ये सहाफ़त का एक जो तारीफ़ है वो, और बाकी वो जो रबवा वाले जो मामला थे जहाँ जो डॉक्टर मेहदी अली 2014 में जब बेशती मकबरा के सामने उनको शहीद किया गया, मैं उनको शहीद इसीलिए कहता हूँ कि जब कोई डॉक्टर है अपनी फील्ड में खिदमत इंसानियत के लिए वक्त निकाल के गया है एक मुल्क से दूसरे, तो वो बेसिकली उसका हर वक्त अगर वो दुनिया से जाता है तो वो शहादत के ज़िम्मे में आता है। बाकी उसकी बैकग्राउंड क्या थी, उसकी बीवी जो थी उसने वो अपना जो जिसको जो बाद में उसी शख्स के हाथों कत्ल होगी जो भंगश नाम का बंदा था, तो उसने उसको सारी मालूमात दी कि हम इस वक्त जाएंगे और ये वो, तो उसने फिर अरेंज किया, वो सारा अखबार में पूरी डिटेल से आ चुका है, लेकिन इसमें यह बात नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें कि वो देखो ये एमडी थे। बात यह है कि इंसान को मद्देनज़र रख के देखें, पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात बड़ी ज़्यादा होते हैं जिसमें औरतों का किरदार होता है कि अगर वो करप्ट हो जाए या उनको कोई माल दौलत का लालच पड़ जाए तो वो अपने बंदों को मरवा देती हैं, और फिर खुदा तआला की लाठी देखें कैसी भी आवाज़ है, बिल्कुल उसी स्टाइल में वो खुद भी वो उसी अंजाम को पहुंची। लेकिन बहरहाल अजीज़ो अकारब और बच्चों के लिए तकलीफ था ये खबर है, तो इसको हम इसी तक रहने देते हैं। अखबार में डिटेल में पड़ी हुई है, जो वकील का मामला हुआ इसमें भी उसके दोस्त ने उसको कत्ल करवाया और पैसे दे के दूसरे को, और ये मामला क्यों इतने बढ़ते जा रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, ये पाकिस्तान फ्रस्ट्रेशन है लोगों के अंदर, क्योंकि जब आपको इंसाफ नहीं मिलता, जब आपको पता है कि इंसाफ बिकाऊ है, आप जो मर्ज़ी कर लें पैसे दे के आप छूट जाएंगे, उस वक्त ये काम बड़ी ज़्यादा तादाद में होना शुरू। पाकिस्तान में देखें बड़े पड़े हैं सब, जब ये लीडरान जो हैं सियासी वो बिकाऊ हैं, उनको पता है जो बड़े मालदार जिन्होंने पैसा जोड़ा हुआ है दूसरे मुल्कों में कि वह हम उनको उनकी बोली लगा के ख़रीद लेंगे, तो फिर उसके बाद जिन्होंने इंसाफ या करना है वो क्या, ये मनाजर बड़े ज़बरदस्त हैं। आप ये देखें कबड्डी के मनाजर के साथ साथ जो मुश्किल चल रही है, इसके अलावा
ये जो इंडियन खिलाड़ी कबड्डी का, क्योंकि कबड्डी के मनाजर हैं, वो बहुत मशहूर प्लेयर था और इंडिया उसके मतलब ये बताया गया है कि वो जो अभी कातिल जो गिरफ़्तार हुए हैं उनमें से बाज़ जो लोग हैं वो मलेशिया में बैठे हुए हैं, बाज़ कनाडा में बैठे हुए हैं और उनकी कुछ इसके साथ उन्होंने कनाडा वाले ने कोई कोशिश की थी कि वो मैं कबड्डी की जो बना रहा हूँ कोई ऑर्गेनाइज उसमें ये प्लेयर जो बड़े बड़े हैं वो ज्वाइन करें ताकि मेरा नाम बने, तो शायद उसने नहीं वो साथ उसके तावन किया। इसी तरह वो बाकी को लोग उन्होंने कुछ तो वो जब इंडिया पहुँचा कोई मैच करवाने तो वहाँ पे वो इंतज़ाम का, जैसे पाकिस्तान में वाक़यात हुए ऐसे ही सेम, ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये रीजन ही ऐसा है कि जहाँ आपके इल्म में है कि पैसे के साथ सब कुछ हो जाता है और पैसे के साथ जज बिक जाते हैं, सियासतदान बिक जाते हैं, कोई ऐसा शोभा नहीं है जो पैसे से नहीं बिकता। ये मनाजर अब मीर साहब के साथ आप देख रहे हैं, उनकी गुफ्तगू भी सुने। ये कबड्डी आपके इलम में है कि ऐसी एक गेम है, अभी पिछले काफ़ी सालों से नहीं हो रही क्योंकि इसके अंदर बाद लोगों को चोटें भी लगी और लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें ख़त्म हो गया और ये अब आप मनाजर देख रहे हैं रबवा से। रबवा हमारा वो शहर है जहाँ हमारे दिलों की बस्ती, जहाँ हम पैदा हुए बड़े हुए, बहुत सारे लोग जो दुनिया में फैले हैं वो सब जानते हैं कि वहाँ अभी वहाँ ये इसको ज़िंदा रखा गया है कबड्डी को। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो अभी ताज़ा आज की कि बेल्जियम में एक फेस्टिवल चल रहा था ਫੁੱਲਿਆ ਲਓ ਜੀ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਰੋ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਾਸਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਚਾ ਕੁਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਦਾਈਆਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸਲ ਕਰਵਾ ਪੰਜ ਅਤੇ ਨਾਛੀ ਅਤੇ ਨਾਛੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਜੱਫਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ।